हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है एवेंजर 220। इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, देखिए इसका किक तो नहीं है और स्टार्ट देना है तो सेल्फ से ही देना है, तो सेल्फ में काम थोड़ा भी नहीं हो रहा है। देखिए सेल्फ, देखिए मैंने ऑन किया हूँ फिर से, देखिए एक काम नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करना चाहिए। आज इस वीडियो के जरिए से दोस्त काम सीख रहा है वो दोस्त का देखने वाला हूँ, और जिसके पास एवेंजर बाइक है वो दोस्त भी देखिए, आपका बाइक में इस तरह प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले ये बैटरी साइड को मैं खोलने जा रहा हूँ, बैटरी साइड खोल के इसका वायर कैसे चेक करना है वो दिखाता हूँ। मैंने तो साइड पैनल को खोल लिया हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले मेरे को ये जो सेल्फ रिले, ये रिले को चेक करना है। बैटरी सही है, ये रनिंग बाइक ही है। स्टार्ट बंद करने के बाद फिर से स्टार्ट देने के टाइम ये स्टार्ट नहीं लिया है, उस टाइम पैडल ही ले गया है। देखिए ये चेक करने के लिए मेरे को एक वायर के जरिए से चेक करना चाहिए, तो कैसे, देखिए ये जो सेल्फ स्टार्टर रिले, इस रिले में दो वायर आपको पतला वाला दो वायर देखने को मिलेगा। ये जो दो वायर, ये दो वायर में जो ब्लैक कलर वायर होता है ये बॉडी अर्थ का होता है, और रेड कलर वायर ये पॉजिटिव वायर होता है। जो सेल्फ स्विच रहता है वो स्विच को दबाने के टाइम इसमें करंट आता है और बाइक स्टार्ट लेता है, तो स्विच से तो करंट नहीं आ रहा है, तो मेरे को अभी चेक करना है क्या। देखिए ये जो पॉजिटिव वायर, इस वायर में एक वायर डाला हूँ और इसमें करंट आना चाहिए, तो सेल्फ स्विच से नहीं आ रहा है, इसलिए बैटरी का जो पॉजिटिव वायर उसमें टच करने के टाइम ये स्टार्ट लेना चाहिए। देखिए ये स्टार्ट भी ले रहा है, उसका मतलब इस बाइक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्फ स्विच से जो पॉजिटिव कनेक्शन वो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका प्रॉब्लम हो रहा है। सेल्फ स्विच खोलता हूँ, खोलने के बाद दिखाता हूँ। स्विच में जो कनेक्शन आता है वो भी खुला हो, तो अभी मेरे को कैसे चेक करना है, ये जो आउटपुट जो वायर जा रहा है, रेड और येलो वायर, ये आउटपुट जाता है ये स्विच से, तो ये मेरे को कैसे चेक करना है, और इसमें जो इनपुट होता है वो भी कैसे चेक करना है, और इसमें करंट किधर से आता है, कैसे आता है वो देखिए। देखिए दोस्त, ये किल स्विच में ग्रे और ब्लू वायर इसमें आता है, इसमें पॉजिटिव कनेक्शन आता है, तो पहले मेरे को इसमें पॉजिटिव कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। देखिए इसमें पॉजिटिव कनेक्शन आ रहा है। उसके बाद जो सेल्फ स्विच में जाता है, जो थोड़ा व्हाइट वाला, व्हाइट और रेड वायर देख पा रहे हैं, ये सेल्फ स्विच में जाता है। देखिए इस तरह से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देख लेना है। देखिए ये आ रहा है, उसका मतलब ये सेल्फ स्विच में भी जाना चाहिए। तो अभी इधर जो सेल्फ स्विच में आ रहा है जो वायर, व्हाइट और रेड वायर, देखिए ये आ रहा है। अभी सेल्फ देने से ये स्टार्ट लेना चाहिए, देखिए ले रहा है। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये किल स्विच से प्रॉब्लम हो रहा है, किल स्विच से जो आउटपुट सेल्फ स्विच में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, तो मैंने पहले कैसे चेक किया वो आपको बताता हूँ। पहले जो रेड और येलो वायर अंदर से कहीं पर काटने से भी स्टार्ट नहीं लेता है, तो पहले मैंने इस रेड और येलो वायर में एक वायर डाला हूँ, उसके बाद जो बैटरी का पॉजिटिव उसमें डाल के स्टार्ट लिया है। उसके बाद जो इनपुट होता है, जो वायर व्हाइट और रेड, इसमें इनमें से जो इनपुट होना चाहिए ये नहीं हो रहा था, इसके वजह से इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये अभी इनपुट हो रहा है इसलिए स्टार्ट ले रहा है। और फिर भी एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये नहीं ले रहा है, तो देखिए इसका जो प्रॉब्लम, ये किल फ्यूज से प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों ये किल फ्यूज को सही करना है, अभी किल फ्यूज कैसे सही होगा, किल फ्यूज टोटली बाहर भी आ गया। देखिए ये किल फ्यूज का हालत, किसी दोस्त ने इसको पहले रिपेयरिंग करने की कोशिश भी की है, तो इसके वजह से इसका हालत बहुत ही बुरा हो गया। देखिए इसमें ज़्यादा वायर सेट शर्ट भी किया है, देखिए से, तो अभी ये टोटली साफ सफाई करके फिर से स्टार्ट देखे हुए आपको देखने वाला हूँ।
पहले साफ सफाई कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये साफ करने का काम हो गया, अभी इसको भी थोड़ा साफ कीजिए। इसको इस तरह से सब ये भी हो गए, अभी इसको सेट करता हूँ। सेट करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया, अभी इसको इधर सेट करना है। देखिए ये भी सेट हो गया, इसमें लूज आ रहा है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी आपको बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैंने तो बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और आप पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ही बस, ओके बाय दोस्तों।